लड़ाई है, इसे जारी रखना है, इसे खत्म नहीं होने देना है। मैं और मेरा साथी इमरान खान भूख हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे क्योंकि जामिया प्रशासन साल दर साल फीस में बढ़ोतरी करता ही जा रहा था, जिसके कारण एक गरीब छात्र को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 2015 और 16 के सेशन में जामिया प्रशासन ने फीस में बढ़ोतरी करी तो कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, तो जामिया प्रशासन का ये कहना था कि हमने फीस में बढ़ोतरी इसलिए की है कि हम जामिया के छात्रों को कुछ सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं, मगर एक साल गुजर गया और कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। उसके बावजूद 2016 और 17 के सेशन में जामिया प्रशासन ने फिर से फीस में 5% फीस में बढ़ोतरी फिर से की गई, मगर इसको लेकर इस बार छात्रों में गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जामिया प्रशासन से बात करना मुनासिब ना समझा और मैं और मेरा साथी इमरान खान भूख हड़ताल पर बैठ गए। यूनियन का गुस्सा देखते हुए जामिया प्रशासन की तरफ से एक टीम आई और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम फीस बढ़ोतरी को वापस लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट ने इस बात से इनकार कर दिया। स्टूडेंट का कहना यह था कि हम इस बात को लिखित में चाहते हैं। तो उसी समय जामिया स्टूडेंट वेलफेयर डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने अपने लिखित लेटर में दिया कि हम फीस वापस लेते हैं और ये फीस वापस इस तर्ज पर ली जाएगी कि इससे पहले हम एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें 8 लोग होंगे इस मीटिंग में, जिसमें 2 स्टूडेंट को भी शामिल किया जाएगा और ये मीटिंग होगी, उस निर्णय के आधार पर भी हम फीस को वापस लेंगे। 6 तारीख को शाम में हमारी मीटिंग जामिया प्रशासन के साथ हुई और जामिया प्रशासन फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए राजी हो गया और सभी छात्रों की जीत हुई। मेरा एक सवाल है कि जामिया के अंदर टीचर यूनियन है, आप जानते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ की यूनियन है, आप जानते हैं, मगर स्टूडेंट की यूनियन क्यों नहीं है, उनके अधिकारों को क्यों दबाया जा रहा है? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, क्या होगा इससे? डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, एक क्लास में टीचर किसी भी बच्चों को धमकी दे देता है। जामिया में सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए यह है कि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है जिससे अपनी बात को स्टूडेंट निडर होकर बात मनवा सके या अपनी बात प्रशासन के सामने रख सके। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें से एक जामिया भी है और 2 यूनिवर्सिटी जेएनयू और डीयू हैं। जेएनयू और डीयू के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें स्टूडेंट को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, मगर स्टूडेंट जामिया स्टूडेंट के पास कोई ऐसा मंच प्रदान नहीं किया गया जामिया स्टूडेंट को जो अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके।